राम राम सभी को। आज सुबह सुबह उठ गए हैं। सुबह सुबह उठ के आज नाश्ता लेके आए अपने लिए और परिवार के लिए भी। ठीक है, तो आज का दिन, आज सुबह जिम नहीं गए, आज शाम को जिम जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम काम से गए थे बाहर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये शाम को जिम जाने से पहले मैं देख रहा हूँ कि ओरियो बॉल के साथ खेल रहा है। देखिए कितना मज़ा से खेल रहा है बॉल के साथ, इसको मज़ा आ रहा है। आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं करूँगा जो मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी बनेगा। ठीक है, तो उस चीज़ का अनाउंसमेंट मैं वीडियो के आखिरी में करूँगा। ठीक है, पर्सनली करूँगा मैं। तो उससे पहले मैं आज का लाइट वेट ट्रेनिंग चालू करते हुए, जो कि चेस्ट का एक्सरसाइज है आज आज ठीक है, आज बेसिकली खाली मैं चेस्ट ही करूँगा। आज सुबह सुबह मैं जिम नहीं जा पाया क्योंकि मेरे को कुछ काम था इसी के लिए। ठीक है, तो आज शाम को मैं जिम गया, और शाम को जिम जाने के बाद आज ज़्यादा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो कि मैं बोलने वाला हूँ आखिरी में, जो कि मैंने कहा, तो उसके बारे में ही ज़्यादा मैं सोच रहा था, एनालिसिस कर रहा था अपने बारे में, अपना माइंड को मेकअप कर रहा था। क्योंकि ये जो डिसीजन है ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं अभी थोड़ा लाइट वेट ट्रेनिंग में परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम लाइट वेट, आप देख सक रहे हैं कि मैं सिंपल खाली रॉड से, ताकि चेस्ट में जो ब्लड है वो खाली मैं पंप कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मसल को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। आज वर्कआउट करने में मज़ा भी आ रहा था। बेसिकली आज क्या है ना कि जो शाम को मैं वर्कआउट करता हूँ, शाम में वर्कआउट करने का क्या एक फ़न का चीज़ है कि आप अपना मील लेके आते हो। ठीक है, तो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग भी फील करते हो, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ, मैं शाम को बहुत रेयर वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मेरे को शाम को उतना टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, आप लोग को जब भी टाइम मिले आप अपना वर्कआउट पूरा करें, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, अब हर व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल का अपना टाइम होता है जिम जाने का, अपना वर्क स्पेस होता है, अपना हर चीज़ होता है। ठीक है, तो अपना टाइम को आप मैनेज करना सीखो, सबसे पहला बात तो वो है। ठीक है, आप कब फ्री होते हो? देखो, दिन में अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा अपने आप को अगर समय नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में लैक कर रहे हो। ये बेसिकली एक फंडा है, ये हर कोई अपनाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक बात सोचो कि आप अगर अपने आप ही को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपना प्रेशियस टाइम आप हर किसी को दे रहे हो, दूसरा कोई आपका टाइम ले रहा है, तो आप सेल्फ ग्रोथ नहीं कर रहे हो। इससे बेसिकली आपका जो सेल्फ लाइफ है वो कम हो रहा है, क्योंकि देखो आप हर चीज़ खरीद सकते हो, मनी से, पावर से, हर चीज़ खरीद सकते हो, पर टाइम को आप कभी नहीं खरीद सकते। तो अपना टाइम को पहचानो और अपने आप को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि 1 घंटा अगर आप जिम में लगा रहे हो, अपना क्वालिटी टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, और मैं तो सभी को यही कहूँगा कि अगर आप फिटनेस में ध्यान देते हो, तो फिजिकली प्लस मेंटली जो आप जिम जाते हो, जिम से बेसिकली आप खाली फिजिकली फिट नहीं होते हो, आप मेंटली भी फिट होते हो। ठीक है, यही कहना था। और ये आज ट्रेनिंग ख़त्म, और जो हम एक दिन आपको बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ क्या है, कि वो सरप्राइज़ यही है कि हम एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये कंपटीशन कल होने वाला है, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन है जमशेदपुर ओपन। उसमें खाली बेंच और डेड, ये दो तो एक्सरसाइज का कंपटीशन होने वाला है, तो मैं दोनों में पार्टिसिपेट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे को सपोर्ट करें। आपका भाई एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो फैमिली है, रोनी फिटनेस ब्लॉग का जो फैमिली है, वो पूरा सपोर्ट करे मेरे को। ठीक है, और प्लीज़ मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें बटन को, और मेरे को मदद करें ताकि मैं और अच्छा परफॉर्मेंस अपने दे सकूं, और अच्छा रिजल्ट, अच्छा परफॉर्मेंस आपके सामने मैं ला सकूं। ठीक है, तो कल मिलते हैं कंपटीशन में। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।